सुनामी आ रही है, अब सुनामी ऑफ चेंज आएगी, सुनामी ऑफ यूनिटी आएगी, सुनामी ऑफ ब्रदरहुड आएगा। आज तक मैंने कोई चीज़ जो भी किया ऊपर वाले के फजलो करम से कभी उसमें नाकामयाबी नहीं मिली। मैं यहाँ पे लोगों के दिल जीतने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे हम लोग लोगों के हाथ में एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। अब सब लोग इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को जानते होंगे, लोधी रोड पर एक बेहतरीन सी इमारत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे, सेमिनार में, मीटिंग में, जलसे में बहुत सारे इवेंट्स वहाँ होते रहते हैं। तो क्या आपको मालूम है उस पर किसका मैनेजमेंट चलेगा? उसके लिए हर 5 साल में इलेक्शन भी होता है। अब भी उसके इलेक्शन का टाइम आ गया है, लेकिन शायद आपको यह अंदाज़ा नहीं उसके इलेक्शन में भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब हैं। तालीकोटी साहब के साथ एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने अब तक 20,000 से ज़ायद कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया हुआ है, जिनमें बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। जी हाँ, इस बार तालीकोटी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हाँ, जिस पे पहले सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हुआ करते थे, उन्हीं की तरफ से समझिए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की बैकिंग है इनके साथ, ये लड़ रहे हैं इस बार इलेक्शन। आने वाले दिनों में मालूम चलेगा ये क्या करते हैं। तालीकोटी साहब, आम मुसलमानों के जहन में एक चीज़ ये रहती है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है वो अमीर मुसलमानों का एक क्लब है, क्या वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जैसे एजुकेशन को लेके, इस्लामिक कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके काम होता आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिथ है इसको दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। इंशाल्लाह जब हम आएंगे, पहले तो सारे मेंबरान में ब्रदरहुड को हम बढ़ाएंगे, फिर जो इस्लाम की सच्चाई हम लोगों के सामने लाएंगे कि इट इज़ अ सेंटर ऑफ पीस, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इट इज़ अ सेंटर ऑफ ब्रदरहुड, इट इज़ अ सेंटर ऑफ टू गेट द मार्जिनलाइज, जो गरीब तबके की जिनकी बात कर रहे हो उनके लिए, हम एजुकेशन के लिए कैसे हर बच्चा पढ़ाई करे, फिर पढ़ाई करके यूजी करे, पीजी करे, इंटेलेक्चुअल बने और देश को आगे लीड करें, इस तरह के। यहाँ पे हम लोग लोगों के हाथ में एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक गाइडेंस देंगे कि भाई आपका ये टारगेट, आपको इसको अचीव करना है और कौम को, सोसाइटी को, कंट्री को और पूरे वर्ल्ड में ब्रदरहुड को आपको डेवलप करना है। जो ये मिथ है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं और बहुत है। लेकिन आप देखिए, एक बहादुर इंसान ही एक कमज़ोर इंसान को आगे बढ़ा सकता है। ये हमारी जो पॉजिटिविटी है, जो मजबूत लोग इससे जुड़े हैं, वो कमज़ोर लोगों को इस बार आगे बढ़ाएंगे। और पहले भी कोशिश हुई है बट एक मास लेवल पे होगी, एक एक तूफान की तरह एक हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और मार्जिनलाइज सेक्टर को हम इस बार, हमारा मुद्दा रहेगा कि वो एजुकेट हो, वो एम्पावरमेंट हो, यूथ को एम्पावरमेंट मिले, वुमन एम्पावरमेंट मिले और मेंबर्स को फैसिलिटी मिले और मेंबर्स मिल के इस चीज़ को, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी विजन और मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा खासा काम इसमें करना चाहते हैं आप, तो इससे पहले जो लोग थे तो क्या उनका काम अब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा? देखिए, जब बेसमेंट होता है तभी तो बिल्डिंग बनती है। उन्होंने बहुत ही मजबूत बेसमेंट दिया है, एक नाम और रिकग्नाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया हुआ है। इसीलिए आप देखिए इसमें कितना बड़ा, इसमें वो सुनामी आ रही है, अब सुनामी ऑफ चेंज आएगी, सुनामी ऑफ यूनिटी आएगी, सुनामी ऑफ ब्रदरहुड आएगा, सुनामी ऑफ इंटरफेथ डायलॉग आएगा, सुनामी ऑफ बुजुर्गों को, फॉर द एल्डरली सीनियर रिटायर्ड पीपल के लिए हम लोग बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। हम लोग जो जो गांव में, विलेजेस में, जो छोटे छोटे जगहों पे हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, जो जो एक इस्लाम सिखाता है कि हम लोग को यूनाइटेड रहना है, हम यूनाइटेड वी स्टैंड, जब हम स्टैंड करेंगे कंट्री भी स्टैंड करेगी, वर्ल्ड में एक डायलॉग बनेगा, वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। कुरैशी साहब 20 साल तक प्रेसिडेंट रहे, लोग कहते हैं उनका बिल्कुल अकेला राज रहा उस पर, दूसरे उनके सामने बहुत कमज़ोर साबित हुए। अभी आपने, अपना सवाल ये है, अभी आप उनकी तरफ से ही बैकिंग है आपको, तो क्या हम माने कि आपकी जीत के चांसेस आपको लग रहे हैं पहले से ही? मैं श्योर हूँ जीत जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं तभी सर्जरी करता हूँ
तभी उस पेशेंट को हाथ लगता हूँ जब मुझे यकीन हो कि ये मेरे सर्जरी से इसको फ़ायदा होगा, मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने से कम्युनिटी सोसाइटी को फ़ायदा होगा, और आज तक मैंने कोई चीज़ जो भी किया ऊपर वाले के फजलो करम से कभी उसमें नाकामयाबी नहीं मिली। मैं यहाँ पर लोगों के दिल जीतने के लिए मैं आया हूँ, लोगों के दिल में मोहब्बत डालने के लिए मैं आया हूँ, नफ़रत से मैं दूर हूँ, और मैंने लाइफ लॉन्ग सर्विस की है, और यहाँ पर मुझे पता है एक अच्छा लीडर जो इस्लाम कहता है कि वो एक सर्वेंट है, वो सर्विस करेगा, और मैं यहाँ पे एज अ सर्विस करने के लिए इंशाल्लाह। देखिए लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, और लोग जब हर तरह के लोग होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो मेम्बरान हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दे विल टेक द राइट डिसीजन, एंड व्हेन वी विल कम इन पावर एंड वी विल इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, वी विल टेक दिस सोसाइटी टू द नेक्स्ट लेवल। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि एक ऐसे साहब भी आपकी इस टीम में है जो कल तक सदुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे, वो भी अभी इस टीम का हिस्सा है, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? देखिए एक्चुअली क्या है, आपने अगर हमारी टीम देखी है, जैसे मैं हूँ यंग एंड एनर्जेटिक, आपने सिराज साहब को देखे मोस्ट एक्सपीरियंस, आपने हमारी वुमेन टीम को देखा है जो हमारे बाजी उनको देखा, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ पे वी आर वर्किंग एज अ टीम, हम यहाँ पे आपसी खिलाफात वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो यूनिटी देख रहे हैं एंड वेलफेयर ऑफ द इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। कौन मेरे को क्या बोलता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मुझे ये पता है कि हम मिलजुल के काम करना है। कल जब हम इलेक्शन होने के बाद हमारे अंदर कोई लकीर नहीं होगी, हम भाईचारा, हम सब के घर जाएंगे, मिलेंगे और मिलजुल के काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वी आर हियर टू सर्व। ये सवाल आपसे, इसके जो मेंबर होते हैं उनकी तो ऐश है, वो तो मज़े करते ही करते हैं, क्या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आम मुसलमानों का भी कोई भला होगा अगर आप जीत गए तो? देखिए ये जो गलत फहमी है, मिथ हर जगह होते हैं, तो सोसाइटी में ये मिथ है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डिग्निफाइड IPS IRS पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स, मेरी तरह डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ये लोग हैं, इनके पास जैसे मैं हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। मुझे इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आने का रीज़न है सर्व करने के लिए, इसी तरह हर मेंबर्स हैं, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं ये कौम का दर्द अपने दिल में लेके चलते हैं। यार ये मेंबर्स वो हैं जो एक रिकग्नाइजेशन दिए हैं एक इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक सोसाइटी के उनके वर्च्यूज़ को, ये वो फैला रहे। मिथ्स बहुत हैं, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं उस मिथ के अंदर मैं ये करूँ। यहाँ पर लोग ऐश नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं कि अपना कीमती वक्त तन मन धन यहाँ पे सोसाइटी के लिए कम्युनिटी के लिए लोग लगाते हैं, मैंने देखा है। अब सिराज साहब का ही एग्जांपल लीजिए, ऐसे 4000 मेंबर्स हैं, ये बहुत यूनिक है, ये पर्ल्स हैं, ये ज्वेल्स हैं, ये बिल्कुल लोगों का एक मुसलमानों का क्या फायदा, देखिए ये मैं समझ रहा हूँ, इससे आपके जीत जाने के बाद इंशाल्लाह जीत गए आप तो इंडिया इस्लामिक आम मुसलमानों को क्या कुछ फायदा हो सकता है? मैं आज डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर सर्जन हूँ, आम मुसलमानों को नहीं पूरे हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? मैं जब लोग मेरे पास आते थे इलाज के लिए, मैं ये देखता था क्या उनकी बीमारी ठीक हो सकती है और क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 10 ऑपरेशन अगर मैं पैसों से लेके कर रहा था तो मैं कोशिश हमेशा मेरी रही कि 2 मरीज कम से कम मैं उनका इलाज, ऐसे लोग जो गरीब हैं वैसे मैं करूँ। फिर वैसे करते करते मैं आज एक 600 बेड के हॉस्पिटल का भी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वहाँ भी मेरा मिशन था कि पेशेंट्स ने मुझे दिया, मैं पेशेंट्स को लौटाऊँ। जब उसका चेयरमैन ऐसा होगा, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी हमने दिया है, यहाँ भी हम सोसाइटी को देंगे। मार्जिनलाइज लोगों के लिए हमारा एक स्पेशल फंड होगा, जो 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 लोग जो छोटे छोटे मसलों से लेके बड़े बड़े मसलों तक हम उसको ब्रिज करेंगे, हम लोग डिवीजन से दूर रहेंगे, यूनाइटेड हम लोग रहेंगे, और इस्लाम का जो मेन ये है क्वालिटी है पीस, उस चीज़ को हम लोग ब्रदरहुड, उस चीज़ को हम इंटरफेथ डायलॉग, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग लकुम दीनकुम वलिय दीन, हम लोग सारे मज़हब को रिस्पेक्ट करके हम अपने दीन को और हम फॉलो करेंगे, वो लोग अपने दीन को फॉलो करेंगे, हम लोग लेकिन मिलकर कम्युनिटी सोसाइटी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। थे डॉक्टर माजिद साहब, इन्होंने एज ए डॉक्टर पूरी दुनिया में नाम कमाया हुआ है, अब देखना ये है कि अगर ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट के तौर पे जीत जाते हैं तो इस सेंटर में क्या कुछ नया करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।